हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता द्वारा पठान फिल्म को बैन लगने को लेकर एसीएम को सौंपा ज्ञापन। दिन पर दिन आने वाली फिल्म पठान को लेकर अलग अलग शहरों में हिंदूवादी संगठन द्वारा रोष प्रकट कर रहे हैं। इसको लेकर रोज कहीं न कहीं हिंदूवादी संगठन सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं आज अलीगढ़ कलेक्टर में हिंदू जागरण मंच सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी करते हुए मांग की है कि आने वाली फिल्म पठान को देश के प्रधानमंत्री द्वारा बैन लगाना चाहिए, अन्यथा हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा फिल्म का विरोध जारी रहेगा। इसको लेकर चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के द्वारा उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि पठान मूवी को बैन किया जाना चाहिए। जिस तरीके से बॉलीवुड वाले कलाकार भगवा रंग का अपमान कर रहे हैं, वहीं पठान मूवी में शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर में गाने में जो दर्शा है वह हिंदू समाज को ठेस पहुंची है। वहीं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जेएनयू और दाऊद अब्राहिम के साथ भी संबंध बताए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने अपील की है कि इस ज्ञापन के माध्यम से इस फिल्म को बैन किया जाए, अन्यथा हम अपने तरीके से भी इस फिल्म को बैन कर सकते हैं। ये हिंदू जागरण मंच है अलीगढ़ का, इनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया गया है। और इसमें जो अभी नई मूवी आई है पठान, तो उसमें जो हिंदुत्व के ऊपर उनकी आलोचना उन्होंने की है या हिंदू धर्म के रंग को लेके जो मजाक उड़ाया गया है, उसी संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। उन्होंने मांग की है कि पठान मूवी पर जो है वो बैन लगाया जाए। क्या बैन लगाया जाएगा? नहीं, जो इनका ज्ञापन है वो उचित माध्यम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाया जाएगा। आने वाली एक मूवी है पठान, जिसमें कि शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण आदि जो कलाकार हैं वो उन्होंने काम किया है। तो जैसा कि हिंदू जागरण मंच और अन्य हिंदूवादी संगठन पहले से कहते आए हैं कि बॉलीवुड के कुछ खास लोग, जैसे हम बॉलीवुड कहते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उससे जुड़े हुए कुछ लोग एक विशेष एजेंडे के तहत हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को जो है बदनाम करने के लिए और उसका उपहास उड़ाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। तो इसी श्रृंखला में ये जो पठान मूवी है ये भी एक इसी का एक माध्यम है। अच्छा, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जो है पहले से भी, ये इन लोगों को लें या महेश भट्ट आदि अन्य सितारे भी जो हैं या अन्य कलाकार भी जो हैं, वो इस तरह की चीज़ों में पहले भी संलिप्त रहे हैं और अनेकों बार इनके जो है माफिया से, दाऊद इब्राहिम से संबंध भी पाए गए हैं। ड्रग्स के और इससे जुड़े हुए अन्य मामलों में भी इनको पाया गया है। तो ये साफ है, सर्वविदित है कि ये एक प्रकार से एक अपराधियों का समूह है जो एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत को हर तरीके से ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को फिल्मों में गलत संदेश दे के समाज को जो है भ्रमित करना और बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो हम लोग इसी के खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरह की फिल्मों पर एक तरीके से बैन लगाकर और इन लोगों को कड़ा संदेश दिया जाए कि भारत के विरोध में और हिंदू धर्म के विरोध में अगर कोई भी षड्यंत्र चलेगा तो उसको सरकार जो है वो स्वीकार नहीं करेगी। अगर सरकार स्वीकार कर भी लेती है तो हिंदू समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर बैन नहीं लगता तो किस तरह का रणनीति? बैन नहीं लगेगा तो अखिल भारतीय स्तर पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सदैव तैयार हैं इस तरह की बातों का, इस तरह के षड्यंत्रों का अपनी भाषा में जवाब देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आपने पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं, आगे भी भगवा रंग को लेकर फिल्में बनती रही हैं और काफ़ी उसमें वीडियो सामने आ रहे हैं, कुछ लोग उसे आलोचना भी कर रहे हैं। शाहरुख खान ने कहा है कि ये मूवी नहीं रोकी जाएगी, तो क्या हिंदू समाज ने हर बार जब भी विरोध हुआ हिंदू समाज का, जब भी हिंदू समाज पे आ चाहिए उसका जो है हिंदू समाज ने भरसक जवाब दिया है। महाराणा प्रताप के समय से लेके, आपका पृथ्वीराज चौहान के समय से लेके और आज के समय तक, सावरकर के समय से लेके आज के समय तक हिंदू समाज हमेशा खड़ा हुआ है। और इसी वजह से इतने हमलों के बाद में और इतने जो है अत्याचारों के बाद में भी हिंदू समाज आज तक जीवित रहा और हिंदू समाज आगे भी खड़ा होगा। तो हम लोग ज्ञापन जरूर देने आए हैं, लेकिन हम लोग भी तैयार हैं कि अगर शाहरुख खान आगे लेकर जाते हैं और आगे भी इस तरह के प्रयास करते हैं तो हम लोग इससे भी बड़ी कार्यवाही के लिए तैयार रहेंगे हमेशा और अखिल भारतीय स्तर पर। क्या नाम है? लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं, रेबेन, वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।